भाई हम पहुंच चुके हैं, यहाँ से आधा किलोमीटर होगा। एंड यहाँ पे हम कैंप ले लिए हैं, ये वाला छोटा सा प्यारा सा कैंप, रात को बस गीला ना हो, बारिश अगर हो गई तो, बाकी हम देख लेंगे। फिलहाल कुछ तीनों बंदे का 1000 रुपये 1200 में ऐसे कुछ हुआ है। सुन रहे, साउंड सुन रहे ना भाई? भाई भाई आपको कैंप दिखा देता हूँ ना, ये भाई रहा स्लीपिंग बैग्स, 3 स्लीपिंग बैग दिए हैं। एंड बन जाने लाइफ, अंदर चलते हैं। हाँ, ऐसा कैंप है, एक लाइट है, ये भाई बहुत नेसेसरी वाला चीज़ है, ये है, बाकी हमें और कुछ नहीं चाहिए। ये रात को संभाल ले, नहीं तो कंबल का ऑप्शन भी है, कंबल भी मिल सकता है, लेकिन यहाँ पे कुछ ऑप्शन नहीं है। अरे इस तरफ नहीं, अरे मौसा जाली बाहर पड़े, हेड देखे देखे एयरपोर्ट देखे। सारे के सारे अंदर आ चुके हैं, यहाँ पे ये दोनों बैठे हैं एंड बैठा हूँ मैं। एंड कुछ ऐसा टेंट है, लेकिन भाई छोटा टेंट सही होता है क्योंकि गर्म रहेगा, बड़ा वाला होगा तीनों अंदर आएंगे तो इतनी ठंडी हो जाएगी कि भाई क्या बताऊँ। आड़ू भाई ऐसे क्यों हो रही है? तो भाई रात को जैसे कि आपको पता है, हम 1:30 बजे 2 बजे उठे थे, 1:30 2 बजे। तो भाई एक अच्छा सा नैप लेना चाहते हैं, फिर आप लोगों से जाएंगे, उसके बाद मिलते हैं। बाहर का व्यू आपको अभी नहीं दिखा सकते भाई, बारिश हो रहा है भाई, कल सुबह दिखा देंगे। थैंक यू, सुन रहे हैं ना बारिश का आवाज़, तो कल सुबह दिखा देंगे आपको। भाई वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल, ये है आलोक एंड मैं हूँ प्रीतोष। भाई सुबह सुबह अभी कितना टाइम हो रहा है, 3:20-30 अभी हम दर्शन करने के जा रहे थे। एंड भाई देख लो, ये देख लो क्या हो गया भाई साहब, बिल्कुल 343 हुआ है एंड टेम्परेचर -4-5 ऐसे कुछ है। रात में तो भाई गर्मी लग गई थी, मैं स्वेटर ग्लोव सारा कुछ पहन के सो गया था। आलोक सॉक्स वगैरह पहन रहा है, इसका जैसे ही ख़त्म होता है मैं भी पहनेगा, फिर हम निकल जाएगा। तो दादर वाली हिंदी आपको कैसे लगी, सुबह सुबह कमेंट करके बताइए, हम चलते हैं दर्शन करने के लिए। भाई नाउ द टाइम इज एग्जैक्ट 4 AM एंड ये सेक्शन ना भाई पूरा कैंपस ही भरा हुआ है कैंप से। तो हम निकल चुके हैं भगवान जी का दर्शन करने, एंड दर्शन करके यहाँ से निकल जाएंगे। ये 1 किलोमीटर का पैच हमें थोड़ा एक्स्ट्रा पड़ा, लेकिन कोई बात नहीं, आगे दोनों चल रहे हैं, बिंदास पीछे मैं चल रहा हूँ। लोग वापस जाने के लिए तैयार हो चुके हैं, गजब है भाई, चलो। एंड भाई लाइन देख रहे हो, ये सारा का सारा लाइन इनके लिए, भोलेनाथ के लिए। भाई साहब आधा 1 किलोमीटर का लाइन है भाई, वहाँ से बिल्कुल नीचे तक कोई ना, सब वेट कर रहे हैं, हम भी कर लेंगे, बस भगवान जी का गेट खुलने दो। एंड गेट पता नहीं कितने बजे खुलता है, शायद 4 या 5 बजे, 4 बजे तो नहीं खुलता है क्योंकि अभी 4:42 हो गया है, देखते हैं खुलने देते हैं फिर कोई बात। भाई सूरज देवता का प्रकोप दिख रहा है आप लोगों को, भी दिख रहा होगा, उनको जल्दी आना चाहिए यार, ठंड बिल्कुल जाड़ वाली है। एंड पीछे की बर्फ दिख रहा है भाई साहब, टेंपल कितना ब्यूटीफुल दिख रहा है भाई, भाई 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 ओहो हो हो, लाइन देखिए। एंड आप लोगों के जानकारी के लिए मैं बता दूं भाई, कल बारिश वगैरह हुआ था, इतना ठंड हो रहा है, ओहो, आज भी दोपहर को बारिश है, उतने तक हम तो भाई निकलने वाले हैं। चलिए दर्शन करते हैं, फिर आपको मैं मंदिर दिखाऊंगा, अभी तक दरवाज़ा भी नहीं खुला है भगवान जी का, 5 बज चुका है।
तो भाई काफी मस्त से दर्शन हो गया एंड हम अभी चल रहे हैं पीछे की तरफ। भीड़ भाई बहुत तेज है, सुबह नहीं था लेकिन लोग जैसे ही धूप आया लोग निकल आए। अपार्ट फ्रॉम दैट बहुत लंबी लाइन है एंड ऊपर दर्शन के लिए भी आपको फिर से टोकन लेना पड़ेगा, अगर आप ऑनलाइन किए हो या ऑफलाइन किए हो कुछ भी तो टोकन कर लीजिए। तो भाई दिस इज भीमशिला जो 2013 के टाइम पे नीचे आ गया था एंड टेम्पल को बिल्कुल बचा लिया था। दिस इज द व्यू फ्रॉम केदारनाथ टेम्पल भाई, गजब का व्यू है यार, लाजवाब। तो भाई हमारा तो दर्शन खत्म हो चुका है जो नो, फिलहाल यहाँ से अभी हम निकल जाएंगे कहाँ नीचे की तरफ भाई सोन ट्रैक एंड वहाँ से अगर होगा तो आज ही निकल जाएंगे भाई हरिद्वार की तरफ। तो देखते हैं यार क्या होता है, ठंड यहाँ पे भाई जबर है, पीछे आप लोग देख सकते हैं भाई बिल्कुल बर्फीले पहाड़ है स्नो से ढका हुआ एंड हवा बहुत तेज चल रहा है तो भाई ठंड जबर की है। फिलहाल तो भगवान जी का दर्शन हो चुका है, यहाँ से निकलते हैं और कुछ आप लोगों के लिए शॉर्ट्स लेके चलिए। तो यार कितने बंदे आ गए मंदिर के सामने वाला मेरा वीडियो बना। चलो भाई चलो, मेरा इस ड्रेस के साथ बहुत ही गंदा फोटो आया है तो यहाँ से निकलते हैं टेंट की तरफ एंड टेंट से चलते हैं फिर वापस नीचे। लेट्स गो मैन। भाई 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 इतनी लंबी लाइन, हम मंदिर से करीबन 1 किलोमीटर तो आगे होंगे, यहाँ तक लाइन है भाई और आगे तक है। आगे तो भाई बेस कैंप है, हम बेस कैंप की तरफ आ चुके हैं। अरे भाई साहब अलग ही लेवल का लाइन है यार। देखो हम बेस कैंप पहुंच चुके हैं एंड यहाँ तक लाइन है भाई साहब। भाई कितने तक लाइन है, मंदिर कितने दूर से, कितने दूर तक से हम आ चुके हैं मंदिर से, मंदिर बहुत दूर है एंड यहाँ तक लाइन है। तो मेरी आप लोगों से एक ही रिक्वेस्ट है कि भाई अगर आप लोग आए हैं तो रात में रुके हैं तो सुबह 2 बजे आ जाइए एंड पिछले दिन कूपन कर ली। हाँ ऐसे लाइन करके कुछ फ़ायदा नहीं है भाई, भाई 3-4 घंटे तो लाइन में ही रहना पड़ेगा, फ़ायदा क्या है। देख लो ये देख वहाँ से वहाँ घूम के यहाँ तक भाई साहब। भाई बंदे ज़्यादा हैं लेकिन रहने के लिए काफ़ी टेंट वगैरह है, ये खामोखा हाइक बनाए रखे हुए हैं कि रहने के लिए प्लेस नहीं है, ये नहीं है वो नहीं है। मैं कल रात भर देख रहा था, ऐसा कुछ नहीं है, आराम से आप रह सकते हैं। बहुत सारे टेंट्स वगैरह है जो कि आपको 300 से 500 के बीच के अंदर मिल जाएगी, तो आगे यहाँ पे रख सकते हैं, तो आगे यहाँ पे रह सकते हैं। बेस कैंप नंदी कैंप गवर्नमेंट भी ना मिले कोई बात नहीं, गवर्नमेंट ऐसे भी ज़्यादा रोड गवर्नमेंट का टेंट्स ऐसे भी ज़्यादा रेट है, प्राइवेट वाला ले लीजिए, आराम से रात गुजारिए, रात मत गुजारिए, 2 बजे भगवान जी का दर्शन करने के लिए लाइन में लग जाइए, अगर रात गुजारेंगे तो ऐसी लाइन में लगना पड़ेगा। चलो तो दिस इज GMVN कैंप्स, ये कॉटेजेस है भाई, इसका रेट करीबन 7-8 हज़ार रुपये है, तो देख लीजिए आपको जैसा चाहिए वैसा ले लेना। एंड बंदे घूम घूम के बोलते हैं कि भाई नहीं है रूम, नहीं है रूम, नहीं है, बहुत रूम है भाई। हाँ ये बात अलग है कि रूम नहीं है, टेंट्स वगैरह ज़्यादा मिल जाएगा क्योंकि वहाँ या क्योंकि इस प्लेस में ना इतना ज़्यादा डेवलपमेंट हुआ नहीं है, रोड वगैरह बना नहीं है तो ये तो दिक्कत रहेगी। ये ट्रक वगैरह ना सारा कुछ नीचे से बिल्कुल ओपन करके लाया जाता है फिर यहाँ पे असेंबल होता है, क्या होता है मैं आपको आगे दिखाता हूँ। यहाँ पे ये देखिए ये हिटाची का मशीन है, उसको पूरा
अलग करके ऊपर लाया गया है एंड ये उसका केबिन है, देख सकते हैं ना। तो ऐसे लाया जाता है, फिर यहाँ पे भाई इसको बंद किया जाता है। भाई ऐसी मशीन एंड ट्रकों को ऐसे लाके यहाँ पे फिर इकट्ठा किया जाता है या जोड़ा जाता है, जो भी हो। हेलीकॉप्टर चला गया, यहाँ पे थोड़े दर रुकते हैं ना। तो भाई हम वापस गौरीकुंड की तरफ चल रहे हैं एंड टेंट छोड़ के नीचे उतर रहे हैं। कब से निकल चुके हैं, वीडियो वगैरह नहीं बनाए थे। इतना ज़्यादा घोड़ों का ये मिट्टी वगैरह है ना, ओह भाई कोई इंसान की जात नहीं है जो खच्चर के अलावा पैदल चला जाए। देखो सिर्फ खच्चर ही खच्चर भाई, एंड हम रहे पैदल बंदे चल रहे हैं। आना है तो पैदल आ जाओ, नहीं तो भाई हेलीकॉप्टर से ही आ जाओ। क्यों खामोखा, फिर हम पैदल वालों को भी दिक्कत होता है, खच्चर वाले अच्छे से नहीं चलते हैं। टाइम इज 11:16, यहाँ पे ट्रीटमेंट चल रहा है भाई, ट्रीटमेंट कीचे निवा। हाँ देखो आड़ू ट्रीटमेंट कर रहा है भाई, आड़ू ऊपर अनो ना है स्पीड ओड खड़ रहे हैं। आड़ू कर रही है ट्रीटमेंट, ट्रीटमेंट खत्म होने के बाद मरीज हॉस्पिटल जाएगा या नीचे जाएगा भाई पेट में थोड़ा सा मेहूस आ गया है, इसलिए ब्रिज के पास बैठा है। ये लोग मैगी खा रहे हैं, आड़ू खा रहा है, मैं नहीं खा रहा वो खा रहे हैं। केला कैसा भैया? भाई दिस इज द ब्यूटीफुल व्यू फ्रॉम आलोक ब्रिज, ऊपर है महादेव एंड नीचे की तरफ चल रहे हैं हम, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। इधर गई बंदा, तो यहाँ से और 7-7.5 किलोमीटर बचा होगा, जो कि हम लगभग लगभग 10 मिनट में कवर कर लेंगे, ऐसा आलोक का मानना है। हो ही नहीं सकता, गाड़ी पड़ जाएगी, ये बिल्कुल सही है। तो भाई आगे गेट देख के आपको पता लग ही गया, हियर वी आर एट भाई गौरीकुंड। डंडा वंडा किसी को दे दिया, कोई ओल्ड एज पर्सन थे तो उनको दे दिया। अभी हम चल रहे हैं, हालत बिल्कुल खराब है, देखते हैं यहाँ रुके हैं या हरिद्वार चल रहे हैं। ये घोड़ों वालों की खतरनाक काम है, नीचे आप जो दे सकते हैं, इतना खतरनाक काम करते हैं कि हमारा पैर तो फिसलता ही है, उनका भी फिसलता है। देखो 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 देखो, कोई ना चलिए और भाई 1 किलोमीटर जाना है। एंड भाई दिस इज 4:07 एंड नीचे बिल्कुल पहुंच चुके हैं, गाड़ियां आप लोग देख सकते हैं। तो पहले चलते हैं यार, बहुत ज़्यादा थक चुके हैं एंड ऐसे भी जाएंगे कि नहीं वो जाके सोचेंगे।